आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है 373 केल्विन पर अभिक्रिया A2 गैस प्लस B2 गैस आपका क्या बनाता है, 2AB गैस बनाता है। का साम्य स्थिरांक 50 है। यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर मोल A2 के युक्त 1 लीटर फ्लास्क है, यहाँ पर किसके मोल आएंगे, इसके 1 मोल आएंगे यहाँ पर A2 के। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यदि कुछ नहीं दिया गया तो 1 मोल आएंगे आपके। 2 मोल B2 गैस युक्त 2 लीटर के फ्लास्क से जुड़ा हुआ है, तब 100 डिग्री सेल्सियस पर साम्य पर AB की निर्मित मात्रा होगी। यहाँ पर A आपको दे रखा है 0.93 मोल होगी, B दे रखा है आपको 1.87 मोल होगी, C दे रखा है 2.80 मोल होगी, D दे रखा है 3.74 मोल होगी। यहाँ पर आपके पास जो अभिक्रिया होगी वो आपकी क्या होगी, A2 गैस से B2 गैस की अभिक्रिया करा रहे हो आप, और आपको क्या मिलेगा यहाँ से, आपको यहाँ से मिलेगा AB गैस मिलेगा। अब प्रारंभ में मोल कितने दे रखे हैं, प्रारंभ में आपके मोल आ जाते हैं यहाँ पर 1 आएगा इसका, इसका 2 आएगा और इसका 0 आएगा, जो कि आपको प्रश्न में दिए गए हैं। A का 1 मोल दे रखा है, B का कितना दे रखा है, 2 मोल दे रखा है। अब यहाँ पर आप मान लेते हैं समय अवस्था पर x मोल वियोजित हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 माइनस एक्स, और इसका बन जाएगा 2x बन जाएगा, क्योंकि यहाँ अभिक्रिया में आपका क्या है, 2AB है यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, KC बराबर लिखना है, तो यहाँ से आपका KC का मान क्या आ जाएगा, AB की सांद्रता का स्क्वायर आ जाएगा बटा आपका क्या आएगा यहाँ से, A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता आएगा बटा में, ये आपको दे रखा है 50 दे रखा है। तो KC का मान आपको निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, साम्य पर सांद्रता चाहिए, ये आपकी क्या होगी यहाँ से, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें V का भाग देना पड़ेगा, और इसमें भी आपको किसका भाग देना पड़ेगा, V का भाग देना पड़ेगा, और इसमें भी आपको V का भाग देना पड़ेगा। V आपका क्या है यहाँ से, कुल आयतन है, क्या है आपका, कुल आयतन है। एक आयतन आपको 1 लीटर दे रखा है, और A2 का आयतन आपको 1 लीटर दे रखा है, और B2 का आयतन आपको दे रखा है 2 लीटर दे रखा है, तो यहाँ से 1 + 2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से आप मान देखो तो आपके क्या आ गया, यहाँ से 1 - 1 बटा 3 आ जाएगा, 2 - 1 बटा 3 आ जाएगा, और यहाँ से 2x बटा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से KC का मान निकालें, यानी हम इसे दे देते हैं समीकरण 1 दे देते हैं, तो समीकरण 1 से आपका क्या मान आएगा, यहाँ से समीकरण 1 से KC का मान क्या आ जाएगा, 50 आएगा आपका, और साथ में क्या आएगा यहाँ पर, AB की सांद्रता का आपको क्या करना है, वर्ग करना है, तो 2x आपका आएगा यहाँ पर, और इसका आप वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको वर्ग करना है। इसी तरह से नीचे क्या आएगा आपका, AB की सांद्रता आएगी, और यहाँ पर आपकी क्या आएगी, B की सांद्रता आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर 3 का वर्ग हो रहा है, नीचे भी आपका 3 × 3 बराबर 9 आ रहा है, तो ये आपका कट जाएगा यहाँ से, तो आपका ऊपर क्या बच जाएगा, 4x² बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, 1 - x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 - x आ जाएगा। आप जब इसे हल करोगे तो आपको यहाँ पर कौन सी समीकरण मिलेगी, आपको यहाँ पर आपको मिलेगी 23x² - 75x + 50 मिलेगी, ये आपको मिलेगा यहाँ से। यहाँ से इस समीकरण को आप हल करते हो तो x का मान आपका कितना आता है, 0.935 आता है, कितना आता है, 0.935 आता है। अब आपको क्या करना है, ये आपका मान आ गया, आपको AB के मोल निकालने, ये AB के मोल निकालने, AB के मोल आपको दे रखे हैं 2x, और ये आपका क्या है, 0.935 गुणा आपको क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना, तो आपका मान क्या आ जाएगा यहाँ से, आपका मान आ जाएगा 1.87 मोल आ जाएगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि आपके AB के मोल कितने होंगे, तो AB के मोल 0.935 गुणा 2 बराबर 1.87 मोल होंगे, तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ से केवल 1.87 आपको बी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।